अगर आपको बजट के अंदर एक बेस्ट आईपैड की तलाश थी पबजी खेलने के लिए, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। तो मैं यहाँ पे बात करूँ आईपैड 7 जनरेशन 2019 मॉडल की, तो मैंने इसको रिसेंटली परचेस किया है अमेजोन से 30,000 रुपीज़ पे करके। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इस आईपैड के अंदर पबजी टेस्ट करेंगे, तो देखते हैं कि क्या हम सच में मोबाइल फ़ोन के मुकाबले आईपैड के अंदर ज़्यादा अच्छे से पबजी खेल पाते हैं कि नहीं, और मेनली बैटरी कितना डिक्रीज़ होता है पर पबजी मैच खेलने के बाद। ये सब भी हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर टेस्ट करेंगे। लैग स्टटर होता है कि नहीं ये सब भी टेस्ट करेंगे, तो सब कुछ टेस्ट करेंगे डिटेल में। सबसे पहले इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है पबजी मोबाइल। तो सबसे पहले मैं आप सबको शॉर्टली बोलता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे मेरे पोको फोन के अंदर जो स्टॉपवॉच है वो ऑन है, तो इसको हम फिलहाल साइड में रखते हैं, इसको हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। और यहाँ पे मेरे आईपैड के अंदर जो बैटरी परसेंटेज है वो मैं आप सबको शो करता हूँ। तो यहाँ पे बैटरी परसेंटेज 93%, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो आईपैड के अंदर अभी बैटरी परसेंटेज 93%, और यहाँ पे स्टॉपवॉच को हमने कर दिया स्टार्ट। तो हम अभी एग्जैक्टली 30 मिनट्स के लिए पबजी खेलेंगे। इस स्टॉपवॉच के अंदर 30 मिनट्स हो जाए तब तक हम पबजी खेलेंगे, और 30 मिनट्स खेलने के बाद बैटरी कितना डिक्रीज होता है, यानी कि वन मैच पबजी खेलने के बाद कितना परसेंट बैटरी डिक्रीज होता है वो भी आप देख पाएंगे। तो अभी पबजी खेलना स्टार्ट करते हैं इस आईपैड 7 जनरेशन 2019 मॉडल के अंदर। और गाइज मैं यहाँ पे पबजी खेलते खेलते मैं आप सबको एक चीज़ बोलना भूल गया कि जो ग्राफिक सेटिंग्स है वो है स्मूथ और एक्सट्रीम पे। तो ऊपर स्मूथ, नीचे एक्सट्रीम, कलरफुल, एंटी अलाइजिंग डिजेबल्ड, ब्राइटनेस 150%, नॉन स्टैंडर्ड नॉर्मल, और ये ऑटो एडजस्ट ग्राफिक्स भी मैंने डिजेबल करके रखा है। तो स्मूथ और एक्सट्रीम में मैक्सिमम लोग खेलते हैं, तो हम भी यहाँ पे स्मूथ और एक्सट्रीम के अंदर इस पबजी को टेस्ट करेंगे।
careful. You're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. Half the match is over. सो गाइस यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 20 मिनट से पबजी खेल रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि स्टॉपवॉच के अंदर 18 मिनट्स 40 सेकंड्स दिखा रहा है। तो 20 मिनट ऑलमोस्ट खेलने के बाद जो स्टैट्स है वो आखिर बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, 88% यहाँ पे बैटरी अभी बाकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 88% बैटरी बाकी है और हमने स्टार्ट किया था 93% से। सो 5% बैटरी डिक्रीज हुआ है ऑलमोस्ट 19 मिनट्स खेलने के बाद। तो कंप्लीट करते हैं 30 मिनट्स और उसके बाद मैं अपना फाइनल ओपिनियन आप सबके साथ शेयर करूँगा। सो गाइस यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है 30 मिनट्स और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे स्टॉपवॉच के अंदर 30 मिनट 10 सेकंड्स यहाँ पे शो कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इसका वॉल्यूम कर देता हूँ डाउन और मैच को कर देता हूँ एग्जिट। जी हाँ, सो गाइस यहाँ पे मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और 30 मिनट्स पबजी खेलने के बाद सबसे पहले मैं आप सबको शो कर देता हूँ बैटरी परसेंटेज। तो बैटरी यहाँ पे है 85%। जी हाँ, शायद आप देख पा रहे हैं 85% बैटरी यहाँ पे बाकी है। सो गाइस यहाँ पे बैटरी परसेंटेज बाकी है 85% इंक्लूडिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम ना करते सिर्फ पबजी खेलते तो शायद थोड़ा और ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाता। तो यहाँ पे कितना परसेंट बैटरी डिक्रीज हुआ, 8% बैटरी हमारा डिक्रीज हुआ आधा घंटा पबजी खेलने के बाद। तो यहाँ पे फाइनली मेरा क्या कंक्लूशन है और मुझे कैसा फील हुआ इस आईपैड के अंदर पबजी खेलकर, तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है आईपैड के अंदर पबजी खेलने के बाद। सबसे पहली चीज़ तो इतने बड़े डिस्प्ले के अंदर जब आप पबजी खेलते हैं तो व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है और इस आईपैड 7th Gen 2019 मॉडल का जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो भी कहीं से बुरा नहीं है। तो इन शॉर्ट एट लास्ट मैं आप सबको इतना ही बोलूँगा कि आईपैड 7th Gen 2019 के अंदर पबजी रिव्यू मेरा काफ़ी पॉजिटिव है और मुझे काफ़ी पसंद आया इसके अंदर पबजी खेल के। लैग स्टटर बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पे आप काफ़ी आराम से स्मूथ और एक्सट्रीम सेटिंग्स के अंदर पबजी खेल पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छी है, 6 से 7% बैटरी डिक्रीज होता है पर मैच जब मैं दूसरे टाइम पे बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के खेलता हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली।